सत श्री अकाल जी, साडे चैनल विच तुहाडा बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, हर किसी के जीवन विच कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई समस्या जरूर होंदी है। कईयां दे जीवन विच तां एक परेशानी खत्म होंदी है तां दूजी पैदा हो जाती है, दूसरी खत्म होंदी है तां तीसरी पैदा हो जाती है। इस तरह समस्यावां दा, परेशानियां दा कदी खात्मा ही नहीं होंदा है। इहो जे मनुख अपनी जिंदगी तो इन्ने निराश हो जांदे हन। अज दी वीडियो विच असी तुहानूं एक ऐसा उपाय दसांगे जिस दा प्रयोग करके तुहाडे जीवन विच या तुहाडे घर विच कोई भी कष्ट आने वाला होएगा ते ओ नहीं आएगा। तुसी ए गल अच्छी तरह जान लो कि जदों भी तुहाडे घर विच कष्ट आने वाला होंदा है तो उहदी ए निशानी होंदी है कि घर विच सारिआं दे कला कलेश झगड़े शुरू होने लग जाते हैं। सारे जिहड़े घर दे फैमिली मैंबर होंदे हन, परिवार दे सदस्य होंदे हन, एक दूजे नूं खाण नूं पैंदे हन। कोई भी गल अगर अच्छी तरह हो सकती है उसनू ओ कुत्ते खानी होंदी है। घर विच बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। उस वेले तुसी समझ लेना कि घर विच बहुत वड्डा कष्ट आने वाला है। ते ऐ कष्ट साडे घर विच ना आवे, परेशानी साडे घर विच ना आवे, उस दे लई सानू एक अपने घर विच सुरक्षा दा चक्र बनाना पैंदा है। ते ओ सुरक्षा दा चक्र असी किस तरह बना सकते हाँ, ओ असी अपनी वीडियो विच अज दसन वाले हाँ। ते तुसी ए वीडियो नू अज बहुत ही ध्यान नाल सुनना है अपने फायदे लई, इस करके वीडियो दे अंत तक बने रहना। उस तो पहले मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, जेकर मेरे चैनल विच नवे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल नू सबसक्राइब करो। सबसक्रिप्शन एकदम फ्री है। ते नाल दे नाल जे वीडियो चंगी लग रही है तो वीडियो नू लाइक कर दो जी, कमेंट विच अपनी हाजिरी जरूर दियो जी। ते हुण मैं तुहानू दस रही सी कि परेशानी नू रोकण वास्ते असी अपने घर विच सुरक्षा चक्र बना लेना है। ते ओ सुरक्षा चक्र किवें बनेगा, उस दे लई सानू जरूरत है जिहड़ी असी घर विच चूल्हा जलांदे हाँ उस दी राख। चूल्हा गैस चूल्हे दी गल नहीं कर रही हाँ, जिहड़ा ज़्यादातर पिंडा विच यूज़ किया जाता है, कई लोग हुण भी यूज़ करते हैं। और जिहड़ा मिट्टी का चूल्हा होंदा है उसनू लकड़ा नाल जिहड़ा बालिया जाता है उस दी राख दी सानू जरूरत होंदी है। नाल दे नाल मैं तुहाडी जानकारी वास्ते यह भी दस देवां कि हर एक चीज़ की जिहड़ी राख होंदी है उसका अपने आप विच बहुत ज़्यादा खास महत्व होंदा है। जिस तरह कि समझ लो कि लौंग है, लौंग नू जलाया जाए तो उस दी राख का अलग उसका योगदान है। वो अलग उपाय वास्ते वो राख का यूज़ किया जाता है। इलायचियां नू जला के, कपूर नू जला के, हर एक राख का एक अलग महत्व है। हर एक कष्ट दूर करने वास्ते हर एक राख का अलग अलग उपाय है। ते आज दी जिहड़ी चूल्हे दी राख दा मैं तुहानू दस रही हाँ, जिस वेले सारा घर दा काम हो जाता है, रसोई दा खाना पीना बन जाता है तो उस वेले तो उस चूल्हे दे उत्ते पानी छिड़क के उसनू मतलब शांत किया जाता है, बंद किया जाता है चूल्हे नू। आपां तां जिहड़ा गैस चूल्हा यूज़ करते हाँ उहदी बटन होंदा है, पर जिहड़ा मिट्टी दा चूल्हा होंदा है उसनू जदों काम खत्म हो जाता है तो उहदे उत्ते पानी छिड़किया जाता है। ते तुहाडी जानकारी लई मैं दस देवां, ए जिहड़ी राख होंदी है तुहानू दस देवां कि अग्नि तत्व ते जल तत्व नाल मिल के बड़ी ही शक्तिशाली बन जाती है। इस राख दी विच बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। कई लोग ए नहीं जानते होंगे कि पुराने जमाने विच जदों लोकां दे जदों तो उन्होंने घर के बच्चे कभी रात नूं बाहर जाते सी तां ओह इस चूल्हे की राख नूं थोड़ी जी उन्होंने मूँह नूं लगा देंदे सी। इस दे नाल की हुंदा सी, बाहर जाण वाले बच्चे दे उत्ते कोई भी माड़ी शक्ति का प्रभाव उहदे उत्ते नहीं पैंदा, कोई भी उहदे उत्ते जादुई शक्ति बुरी शक्ति उसनू फड़ नहीं सकती सी। इन्ना इस जिहड़ी चूल्हे की राख है उहदे विच इन्नी ताकत है। हुण कई लोग मैनू पुछणगे क्वेश्चन विच कि असी कित्थों दी चूल्हे की राख ले आईए, क्योंकि अजकल लोग ज़्यादा गैस नू ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उसका तुहानू दस दिनी हाँ कि जेकर तुहाडे घर विच चूल्हा नहीं बालिया जाता तो तुसी आस पास नेड़े देख सकते हो, कई लोग हाले भी चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं।
जिथे भी किसी घर विच चूल्हा बालिया जाता है उत्थों दी तुसी थोड़ी जी राख अपने घर लेके आ जानी है। बस इस गल दा तुसी खास तौर ते ध्यान रखना है कि उस राख चूल्हे दे उत्ते खाना बनिया होना चाहिए। यह नहीं कि चूल्हे दे मतलब जड़ी राख होंदी है कुछ भी चाह बनी हो या कोई वो वाली राख नहीं चाहिए सी नहीं चाहिए होंगी। उद्दे प्रॉपर रोटी सब्जी तैयार हुई हो वाली राख होनी चाहिए। वह राख जो तुसी अपने घर में लियानी है एक कटोरी विच वो राख पा के तुसी उस दे विच थोड़ा जिहा पानी मिलाना है ते थोड़ा जिहा कच्चा दूध मिला के एक अच्छा जिहा पेस्ट तैयार कर लेना है। पेस्ट तैयार करन तो बाद तुसी अपने घर दे बाहर जिहड़ा वेड़ा है मेन गेट तो अंदर जिहड़ा वेड़ा होंदा है उत्थे तुसी एक स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक बनाने नाल की होएगा कि यह जिहड़ी चूल्हे की राख होंदी है उहदे विच तां उह जो अग्नि तत्व जल तत्व नाल उह तां शक्तिशाली हैगी है। उस दे नाल जदों आपां घर दे बाहर एक स्वास्तिक बना देंगे ना तो साढ़े घर विच कोई भी माड़ी जो चीज़ है घर विच एंटर कभी भी कर नहीं सकती है। माड़ी चीज़ एंटर नहीं करेगी तो घर विच तुसी देख लेना इस दे नाल ना जो स्वास्तिक दियाँ चार पूजावां होंदियां हन ते उस दे नाल क्योंकि यह जिहड़ा यंत्र है यह भी एक पैसा बटोरन वाला यंत्र है ते इस दे नाल साढ़े घर विच बहुत ज़्यादा पैसा चुंबक की तरह यह यंत्र खिंचेगा। इस दे नाल नाल जिहड़ी राख है थोड़ी जी तुसी बचा के अपने घर विच रख लेनी है। जदों भी तुहाडे घर विच कोई बंदा कोई शुभ कार्य करन वास्ते कोई शुभ काम करन वास्ते बाहर जा रहा है तो यह राख थोड़ी जी कागज़ विच एक पूड़ी जी बना के हमेशा वह अपनी जेब विच रखन। उस दे नाल जिहड़े काम वास्ते वह जा रहे हैं वह काम विच 100% उन्हां नूं सफलता मिलेगी। इस करके जां फिर तुसी अपने बच्चे की प्रोटैक्शन चाहते हो तो वह जिहड़ी राख एक कागज़ की पूड़ी बना के उसके पर्स विच भी रख सकते हो हमेशा वास्ते। वह जिहड़ी भी कोई नैगेटिव शक्ति है बच्चा बाहर जाएगा तो उहदे उत्ते कोई प्रभाव नहीं पाएगी सुरक्षित रहेगा तुहाडा बच्चा बाहर जाके यह भी तुसी कर सकते हो। तो इस तरह जिहड़ी यह राख दियां शक्तियां हन तुसी अपने घर विच स्वास्तिक लगा के माड़ियां चीज़ां तो इन्हां दा इस प्रभाव दूर कर सकते हो। पैसे नूं चुंबक की तरह यह यंत्र जदों खिंचेगा तो तुहाडे घर विच पैसा ही पैसा होना है ते अपने काम करवाने वास्ते शुभ काम करन वास्ते राख नूं तुसी अपनी जेब विच पा के लेके जा सकते हो ते बच्चे दी तुसी पर्स विच भी रख सकते हो ताकि बच्चा तुहाडे हर एक चीज़ तो सुरक्षित रहे। सो ऐसी साड़ी आज दी वीडियो दी जानकारी ते उपा वीडियो विच दित्ती गई जानकारी ते उपा चंगा लग्या है तो वीडियो नूं लाइक करो जी ते कमेंट विच अपनी हाजरी जरूर लगवाओ अपना फीडबैक अपने विचार जरूर दिओ जी। तो अज वास्ते बस इन्ना ही हुण मैनूं इजाजत दिओ मिलांगी अगली वीडियो विच तुहाडी किसी होर परेशानी का वधिया जिहा हल लैके।